को वेलकम टू शमा किचन। आज शमा के किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर एक न्यू डिश लेके आ गए हैं, तो चलिए आइए मेरे किचन में, किस तरह बनता है ये बताऊँ मैं। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हम आज ये मिर्ची है, ये फ्राई भी कर सकते हैं, इसकी भाजी भी बना सकते हैं। इसको मैंने पाव किलो ले ली हूँ। इसको मैं इसके डंठल तोड़ दी हूँ। इसको अच्छे से सारा डंठल तोड़ देना। ये 250 ग्राम है दोस्तों। ये किसी तरह भी बनाओ तो ये बहुत स्वादिष्ट और बहुत मज़ेदार बनता है। हम फ्राई भी करने के बहुत से तरीके हैं, तो उसे वैसे भी कर सकते हैं। एक भाजी तौर पे बनाना है तो वैसा भी बना सकते हैं। आज मैं इसकी भाजी ही बना के आपको बताती हूँ। इसको अच्छे से डंठल तोड़ के मैं इसको अच्छे से वॉश कर रही हूँ। अच्छे से वॉश कर लिया मैंने, इसको बीच में से कट कर लिया, ऐसा एक एक चाकू की मदद से बीच में से कट कर लिया हूँ। इस तरह से कट कर लेना, सारी मिर्ची को इसी तरह कट कर लेना हमको। कट करने से हमारा मसाला जो है उसके अंदर अच्छी तरह से पकड़ लेता है और अंदर फीकी नहीं लगती है। अभी हम एक पैन ले लेंगे। एक पैन के अंदर हम ऑयल डाल लेंगे। इसके अंदर हम 2 चम्मच ऑयल डाल रहे हैं। थोड़ा सा ज़ीरा डाल दूंगी, अखा ज़ीरा। इसको थोड़ा तड़कने दूंगी मैं। फिर चाय के चम्मच से 1 चम्मच है, मेरा स्पून छोटा है ज़ीरा का, इसके लिए उसको मैं दोबारा डालना पड़ा। 1 चाय का चम्मच है दोस्तों। इसको थोड़ा तड़कने देना है हमको। ये अच्छी तरह से तड़क गया तो थोड़ा सा हमको हिंग इसके अंदर ऐड कर देना है। हिंग डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है, तो हिंग भी थोड़ा अच्छे से हमारा तड़क चुका है। अब इसको मैं 2 प्याज है, इसको मैंने बारीक काट ली हूँ अच्छे से। ये सब आमलेट बनाते हैं हम तो किस तरह काटते हैं, वैसे ही बारीक चॉप कर ली मैंने। इसको भी अच्छी तरह से ये ऑयल के अंदर भून लूँगी मैं। एकदम हमको लाल नहीं करना है दोस्तों, सिर्फ हमको इसको पिंक शेड आए तक लगा ही थोड़ा सा सोटे करना है। अगर सोटे हो गया थोड़ा सा तो उसके बाद में बाकी का मसाला हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच ऐड कर देंगे इसके अंदर। अदरक लहसुन डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखा, मैंने प्याज को ज़्यादा लाल नहीं किया है, खाली कलर आए तलक ही गोल्डन पिंक कलर आए तलक ही मैंने इसको सोटे किया है। इसी तरह अच्छी तरह से भून लेना है इसको, उस तरह से अच्छी तरह से भून लेना इसको। अब इसके बाद में हम इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे, जैसे कि नमक के स्वाद के हिसाब से हल्दी 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच और मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची है और कुटी हुई मिर्ची है और 1 चुटकी गरम मसाला है। इस सारे मसाले को हम इस पैन में डाल देंगे। डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। जब तक इसका कच्चापन नहीं जाता है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। देख रहे हो ना कितने अच्छे से भुने जा रहे हैं। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, मैंने 2 चम्मच भर के डाली। आप अपनी मिर्ची के हिसाब से डालिए, मेरी 1.5 किलो मिर्ची है उस हिसाब से मैंने ऑयल डाला। इसको ज़रा देर हम ढक्कन ढक के रखेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से पक जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। एक ऑयल सेपरेट हो गया है, मसाला भी अच्छी तरह से भुने गया है हमारा। इसको अच्छा हिलाते हुए हम उसको और भून लेंगे अच्छी तरह से, ताकि बिल्कुल इसकी कच्ची स्मेल चले जाए। अब इसके अंदर हम जो मिर्ची हमने कटिंग करके रखी थी वो मिर्ची भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे दोस्तों। देखो, अच्छी तरह धीमी आंच में बनाना है दोस्तों, इसको फास्ट आंच नहीं करना है, एकदम धीमी आंच में, ताकि हमारा मसाला इसमें मिर्ची के अंदर जो हमने कट करके रखा है मिर्ची को उसके अंदर चला जाए। ये मिर्ची बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसके अंदर अभी मैं 1 कप पानी ऐड कर दूंगी। सिर्फ 1 चाय का कप है, वो कप से हमको ऐड करना है, ताकि मिर्ची तो ऐसे ही मिर्ची तो नरम हो जाती है। और थोड़ा सा पानी डालने के बाद
और अच्छी तरह से वो पूरा मसाला जो है, ये कप से मैंने एक कप पानी इसके अंदर ऐड किया है दोस्तों, जो कट करके रखा है हमने मसाला, उसके अंदर पूरा मसाला हमारा थोड़ा पानी डालने से पूरा अंदर चला जाएगा तो एकदम फीका फीका नहीं लगेगा, एकदम मसाला पकड़ लेगा और रोटी चपाती पराठे में खाने के लिए बहुत मज़ा लगेगा। अब देखो पूरी तरह नरम हो गया, देख रहे हो ना, इसको ज़्यादा देर नहीं लगता है दोस्तों, पूरी तरह से गल चुका है। ऐसा पूरा कुक नहीं करना है हमारे को, पौना ही कुक करना है, ये पौना हिस्सा ही कुक हुआ है तो इतना ही हमको रखना है। ज़्यादा कुक करेंगे तो मिर्ची जो है हमारी जो कटिंग करके रखी हुई है वो अलग अलग हो जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा और देखने में भी खूबसूरत नहीं लगेगा। और अभी इसके अंदर मैं 4 चम्मच ये दही डाल रही हूँ, मिर्ची की जान है सबसे, बोलते ना स्वाद लाने वाला ये दही है, ये दही 4 चम्मच इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, इससे हमारी मिर्ची का स्वाद बोलते ना सोने पे सुहागा हो जाता है दोस्तों, बहुत स्वादिष्ट लगता है, थोड़ा तीखा थोड़ा मीठा किस्म का तो बहुत मज़ा, और एकदम दानेदार मसाला बन जाता है हमारा, देख रहे हो ना कितना मस्त दानेदार मसाला बन गया। इसके अंदर सारे तीखे मसाले और ये दही तो भी एकदम मीठा किस्म का ही होता है तो वो सब मिक्स होकर कितनी मस्त ग्रेवी बन चुकी है, देख रहे हो ना आप। कितने के लिए ढक्कन ढक के हम रख देंगे, हम थोड़ा नरम होने के लिए देंगे, दही को अच्छी तरह से पकने देंगे, दही अच्छे से पक चुका है, अभी हम ढक्कन खोल के देखते हैं, वो दही भी अच्छे से पक चुका है और तेल भी सेपरेट हो चुका है अभी हमारे मिर्ची का। अभी हमारी मिर्ची की भाजी बन के रेडी हो गई है, अब इसको प्लेटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा कोथमीर बारीक चॉप करके रखी थी वो भी इसके अंदर ऐड कर दी हूँ दोस्तों, देख रहे हो कितना मज़े का दिख रहा है ये भाजी, वैसे खाने में भी बहुत मज़ेदार रहता है। चलो प्लेटिंग करके दिखाती हूँ आपको, आप भी इसी तरह बनाना दोस्तों, आप भी इस तरह बनाना। और बोलते ना हम रोज़ भाजी किस तरह बनाएं क्या बनाएं हमको समझ में नहीं आता है, तो इस तरह भी हम बना सकते हैं, ऐसा भी भाजी बनता है और स्वादिष्ट लगता है और खाने में भी मज़ा बोलते ना बहुत मज़ेदार बनता है। आप ज़रूर ट्राई करना और फिर मिलती हूँ एक अच्छी इसी न्यू रेसिपी के साथ, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपकी भाजी भी किस तरह बनी मिर्ची वाली। तो चलो मिलती हूँ एक अच्छी इसी न्यू रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।